दोस्तों हमारी जो होंडा साइन बाइक है ना, वो उसका हाफ इंजन बना था, तो किट उसकी शायद सही सेट नहीं हुई है, तो उस किट को उसको बनाएंगे और क्लिच प्लेट भी शायद नहीं डलेगी, पूरा सेट डलेगा और सेल्फ का भी काम होगा, तो देखेंगे कि हम उसमें क्या क्या काम होगा। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि गाड़ी बनने के बाद एक्चुअली गाड़ी कैसी बनी। तो ये देखो दोस्तों, ये हाफ इंजन बना था तो वो शायद सेट नहीं हुआ अच्छे से, इसकी रैपिड सही से लगे ही नहीं थी, तो फिर इसके अभी हम इसको ओपन करवाएंगे और इसमें रैपिड लगाएंगे, जो सील जो पत्ती लगती है इसके खोल के, ताकि वो दोबारा ये लीकेज ना हो। तो इसको ऊपर का ये पूरा टंकी खुलेगी, फिर हाफ इंजन को, तो ये हमारी क्लच प्लेट भी ख़राब हो गई है, उसका पूरा सेट ही इसका चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि सेट चेंज करेंगे तो इसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा सही रहेगी। ये देखिए पूरा कट गया था, ये किनारे किनारे की जो धारीदार है ये पूरी कट गई है, इसके कारण से क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। तो ये पूरा भी चेंज हो गया, भी नया सेट ही इसमें पूरा हम डालेंगे। ये देखिए पूरा ये गाड़ी ये खुला हुआ है, इस पर बनेगा चैन, इस पॉकेट पूरा न्यू डलेगा, क्योंकि पूरा ये ख़राब हो गया था तो बदलना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं बदलेंगे तो गाड़ी पिकअप नहीं देती है, मैन गियर पिकअप की समस्या आ जाती है। ये देखिए ये, और ये हाफ इंजन बना था पूरा खुल के सही से बनेगा, सेट नहीं हुई थी तो इसकी किट भी चेंज होने वाली है, रैपिड है सही से लगी नहीं थी, लेकिन शायद लीक होता है कि नहीं होता, ये चेंज होने के बाद खराब किट लगेगी दोबारा, पत्ती लगती है। ये देखिए ये चेन इस पॉकेट नया पूरा ये सेट हो रहा है इस प्रकार से, ये देखिए, क्योंकि ये डालना जरूरी था, नहीं डालते तो ये पिकअप नहीं आती, फिर ये ऑयल अच्छा चला। और ये जो चैन स्पॉकेट आया है ये हुंडई का 1600 रुपए का पड़ा। अब ये कार्बोरेटर भी साफ करवाना ज़रूरी था, क्योंकि कार्बोरेटर काफ़ी टाइम से खुला नहीं था और इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह था, तो इसको खोल के हमने पेट्रोल से साफ़ करवाया इसको सारे को खोल के, क्योंकि ये नया चेंज होता तो ये लगभग 3000 से 4000 के बीच में ये पूरा नया डलता है, तो हमने कहा कि चलो इसको साफ़ कराया जाए, तो मैकेनिक ने भी सजेस्ट किया कि इसको साफ़ करने के बाद माइलेज में भी कुछ असर बढ़ेगा, देखते हैं क्या होता है, अभी तो हमने सिर्फ इसको बनवाया है। तो भाई वीडियो बना रहा है, चलिए आगे देखते हैं। इसको तो पेट्रोल से पूरा साफ किया गया है, और फिर काम कराते कराते हो गई बारिश, नोएडा में बारिश हो गई बहुत तेज से, लेकिन ये बारिश कुछ टाइम के लिए ही थी, थोड़ी देर ही बारिश हुई, इसके बाद फिर ये बंद हो गई, लेकिन बारिश तो फिर हुई तो काफ़ी तेजी हुई थी। ये क्या जल गया, फूक गया, जब फूक गया इसमें देखो, हाँ कुछ नहीं तो पूरा टिकली, इसमें कार्बन डलेगा, सेल्फ क्या फिर हमने ऑयल चेंज करवाया वो मोटुल का, क्योंकि मोटुल का ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है, पर्सनली मैं मोटुल का ऑयल यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मुझे 2 से 2500 रुपये किलोमीटर बहुत अच्छी चलती है और ऑयल भी इसका चिकना रहता है। और ये देखिए दोस्तों गाड़ी धुल के बिल्कुल एकदम साफ क्लीन हो गई है, अब देखेंगे एक दो दिन चला के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, मैकेनिक बोला कि आप चलाइए, तो अगर प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। ये देखो दोस्तों ये गाड़ी रेडी हो गई है, पॉलिश वॉलिश मार के,